नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। आज जैसा आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंट सेटिंग है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड अलग है। आज संडे का दिन है, संडे शाम है, तो मैंने बोला आज एक बहुत ही डिफरेंट, हल्का फुल्का, एक अलग तरीके से इंस्पिरेशनल वीडियो बनाया जाए। और जैसा आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक स्टॉपवॉच लगी हुई है, तो इसको अभी कुछ ही देर के अंदर चालू करके और एक मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जैसा कि इकरम ने से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा एक आध वीडियो देखा हुआ था जो इस टाइप का था, तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑडियंस के लिए भी आप एक वीडियो बनाइए और कभी लाइव इंटरेक्शन करिए। तो बिल्कुल इकरम के आइडिया को मैं स्वागत करता हूँ। कभी नेक्स्ट संडे से या उसके नेक्स्ट संडे से हम कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम जरूर करेंगे। सो करंटली ये जो वीडियो है, ये मैं आपको और आपके चारों जितने भी बच्चे हैं उन सभी को डेडिकेट करता हूँ। और मेरा आइडिया ये है कि मैं स्टॉपवॉच चला के अफ्रीका नेशन के अंदर 54 कंट्रीज हैं, तो क्या मैं सभी को कवर कर पाता हूँ और कितने समय में कर पाता हूँ, तो उसकी हम देखते हैं आज। तो हम अफ्रीका के 54 कंट्रीज का नाम लेने की कोशिश करते हैं आईज ब्लाइंड करके। अफ्रीका के कंट्रीज का नाम है इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरिटानिया, माली, चैड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, जिबूटी, एरिट्रिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, ईस्वातिनी, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशियस, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बसाओ, गिनी, सियेरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, साओ टोम एंड प्रिंसिप, केप वर्ड, और ये लगभग सभी कंट्रीज हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड और एक हैप्पी डेमोन्स्ट्रेशन है। एक अफ्रीका का मैप भी डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन स्क्रीन पे शायद जगह नहीं बचेगी, लेकिन आप मैप से कंफर्म कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो हमारे पास में अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो फॉकलैंड आइलैंड्स होते हैं, फिर अर्जेंटीना आती है, चिले आता है, पैराग्वे, उरुग्वे आता है, बोलीविया, ब्राज़ील आता है, पेरू और इक्वाडोर आता है, कोलंबिया, वेनेजुएला आता है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम आता है। और उसी तरीके से अगर हम यूरोप की साइड में चले जाएं, तो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि आपकी स्पेन, पोर्चुगल, एंडोरा, मोनाको, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान,
ग्रीस, फिर हम दोबारा से वहां से शुरू करते हैं एक साइड से जो हमने छोड़ा था, स्विट्जरलैंड, लाइचेनस्टीन, इटली। इटली के अंदर दो छोटे छोटे हैं, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी, और माल्टा, साइप्रस, और चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, बॉस्निया एंड हर्जीगोविना, कोसोवो, नॉर्दर्न मैसेडोनिया, अल्बानिया और मॉन्टेनेग्रो। तो हम साइप्रस बता चुके हैं, हमने आइसलैंड कवर कर लिया, तो लगभग यही यूरोप के कंट्रीज हैं, उसके अंदर आप रशिया भी डाल दीजिए। और उसी तरीके से अगर आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं, जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे दर्शक रहते हैं, तो वहाँ पे है येमेन, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, तुर्की, और कुछ लोग उसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को भी मान लेते हैं। और उन्हीं के साथ में टचिंग जो एशियन कंट्रीज हैं, जो रशिया के नीचे की साइड में हैं, वो नेशंस हैं, जैसे कि आपका कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और फिर आपको पता ही है श्रीलंका है, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान और जापान और चाइना तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ बहुत छोटे छोटे कंट्रीज आ जाते हैं, तो वो ठीक है। तो इस तरीके से नाउ इस डेमोन्स्ट्रेशन का एक ही मतलब था, इस डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये था कि ये डेडिकेटेड था सभी, ना केवल बच्चों को बल्कि एडल्ट्स को भी। पढ़ाई एक बहुत 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 ही सुंदर चीज है, और पढ़ाई मुश्किल नहीं है अगर हम उसको ध्यान से, अगर हमारे पास में पढ़ाने वाला एक अच्छा टीचर है, और हम थोड़ा सा भी, अगर वो टीचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और बच्चे और बड़े भी, तो अगर आप बड़े भी हैं तो अगर आपने 12वीं में छोड़ा है तो बीए आप जरूर करिए, और केवल करने के लिए या सर्टिफिकेट के लिए मत करिए, उसको सीखने के हिसाब से करिए। अगर आपने बीए पे अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन करके एमए जरूर करिए, और इस तरीके से अपने चारों तरफ के माहौल के अंदर जब तक हम एजुकेशन स्प्रेड नहीं करेंगे, और उसके अंदर मन लेके एजुकेशन, अब जैसे मैंने ये बताया आपको, ये कोई बहुत पेनफुल काम नहीं है, ये क्रिएटिव है। आज की डेट में यूट्यूब हाजिर है, ठीक है। तो इकरम भाई का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने मुझे इस टाइप का भी मौका दिया, और कभी फिर आपके साथ लाइव मुलाकात होगी किसी सैटरडे को या संडे को, जो आपको पहले से ही हम इन्फॉर्म कर देंगे, और कभी मौका दिया तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। आप सभी का धन्यवाद, पढ़ते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए।